साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विषय है दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी वहीं पर एक भक्त रहता था रामदास वो जाति का चमार था परंतु अत्यंत सरल हृदय का सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला वो भगत था रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम मूली था उस दंपति में बड़ा प्रेम था उनका एक छोटा लड़का था वो भी माता पिता का परम भगत था तीनों प्राणियों के पेट भरने के बाद जो पैसे बचते उनसे रामदास अतिथियों की सेवा करता और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास किया करता था वह समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करता कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति हरी में जैसो तैसो बस्तीरो उसे बहुत प्यारी लगी और ये पंक्ति तो उसे कंठस्थ भी हो गई वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता वह सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता अब सात संगत जी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहती थी सात संगत जी कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण स्वर्ण युक्त शालीग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे उसने सोचा कि इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो ये अच्छा होगा भगवत प्रेरणा से शालीग्राम की मूर्ति को लेकर वो चोर सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा अरे भाई देख ये कैसा मज़ेदार पत्थर है जरा अपने औजार को इस पर घीस तो सही देख कैसा अच्छा काम देता है पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते तुझे देने पड़ेंगे चोर की आवाज़ सुनकर रामदास चौंका उसके भजन में भंग पड़ा उसने समझा कि कोई खरीददार है उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथों पर रख दी रामदास अभी तक अर्धचेतन अवस्था में था उसका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर खींचा हुआ था इसीलिए पैसे लेने की बात तो रामदास को याद ही नहीं रही मूर्ति को उसने अपने सामने रख दिया और उसी पर ही औजार घिसने लगा भगवान शालीग्राम बनकर प्यारे भगत के घर आ गए एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले शालीग्राम की ऐसी अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रख कर उस पर औजार घिस रहा था साज संगत जी ब्राह्मण ने विचार किया भला बंदरों को हीरो की कीमत का क्या पता यह चमार शालीग्राम को क्या पहचाने उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नज़दीक आकर रामदास को कहा भाई आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ तू मुझे वो चीज़ देकर पुण्य लाभ ले ले यह पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे नेत्र इससे हट नहीं रहे रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वो पत्थर ब्राह्मण को दे दिया पंडित जी दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े खुश हुए वो उसे घर ले आए उन्होंने कुएँ के जल से स्नान किया फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाकर सिंहासन पर पधरा कर, उनकी पूजा की पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे परंतु पंडित जी के दिल में दैवीय गुण नहीं थे उनमें लोभ ईर्ष्या कामना भोग वासना इंद्रिय सुख की लालसा क्रोध आदि दुर्गण भरे हुए थे अब रामदास अशिक्षित था परंतु उसका दिल बड़ा पवित्र था उसके मन में लोभ इच्छा क्रोध और वैर आदि का नाम नशान भी नहीं था भगवान शालिग्राम ने विचार किया जब वह परम श्रद्धा व भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरा भगत मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मानो मेरा कोई परम भगत मेरा शरीर पहुँच रहा है जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को अपने पैरों पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था तब मुझे ऐसा लगता था कि मानो मेरे अंगों पर मेरा कोई भगत चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है परंतु उसने अपनी सरल निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया है मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश होता हूँ वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं है वह मेरा भगत नहीं है वह तो अपनी कामनाओं का भगत है यह विचार कर भगवान शालिग्राम ने पुनः रामदास के घर जाने का निश्चय किया और रात को स्वपन में ब्राह्मण से कहा तू तो मुझे रामदास के घर पहुँचा दे ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालिग्राम की मूर्ति को लेकर पहुंच गया और उसने रामदास को कहा रामदास ये कोई साधारण पत्थर नहीं है ये तो साक्षात भगवान हैं तीनों लोगों के स्वामी हैं अब तू प्रेम से इनकी पूजा करना ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा प्रभु मैं अति दीनहीन अनजान दुर्जन पतित प्राणी हूँ रात दिन चमड़ा घिसना मेरा काम है मुझ में ना शौच न सदाचार मुझस नीच जगत में और कौन होगा ऐसे पतित पर भी प्रभु ने कृपा की अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता कभी हंसता तो कभी नाचता सात संगत जी अब तो उसे एक ही रट लग गई थी कि नाथ अब मुझे दर्शन दो पहले तो मुझे पता ही नहीं था पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है मैंने तो ना पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया पर आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बताकर मेरे घर आ गए यदि दर्शन नहीं देने थे तो ये सब क्यों किया एक बार अपने सांवरे सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो मेरे मोहन करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर एक बार मुझे दर्शन दो मुझे कृतार्थ करो अब भगवान भगत वत्सल हैं जो एक मात्र भगवान को ही अपना आश्रम मानकर उससे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना तो भगवान तत्काल सुनते हैं भगत के ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा नहीं गया वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर कर उसके घर आ गए भगवान ने रामदास के घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया बल्कि उसकी विरह वेदना को पहले से भी और ज़्यादा बढ़ा दिया कहने लगे अरे भाई भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है बड़े बड़े देवता योगी ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे होंगे ये सुनकर रामदास रोने लगा रामदास कहने लगा हे देव मैं क्या करूँ मुझसे रहा नहीं जाता और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे जो भगवान हैं दया के सागर हैं वो मुझे दर्शन ज़रूर देंगे पति कैसे ही रूप रंग का क्यों ना हो पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ ये कहते कहते रामदास का कंठ रूंध गया ऐसे दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा नहीं गया वो अपने भगत को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे रामदास की आंखें बंद हो गई उसने हृदय में देखा कि भगवान मदन मोहन मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं आ मेरे पास आ जा कैसा सुंदर रूप है वह आनंद सागर में डूब गया अचानक आंखें खुली देखता है कि सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद विग्रह विराजमान है रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने भी प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण किया साज संगत जी ऐसे थे भगवान के भरत अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साध संगत जी प्रेम से कहना धन नरंगा